हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज एकदम से शेयर में बूम देखने को मिला, तकरीबन 8% शेयर चढ़ा है। अब लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर हम NSE के डाटा पे आएंगे तो तकरीबन 1,01,00,000 क्वान्टिटी लगी हुई है सेलिंग के लिए। वही बाय क्वान्टिटी 46,68,670 लगी हुई हैं। और अब तक आप देखोगे 12 बज रहे हैं और 6.5 करोड़ से ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो ट्रेड हो चुका है श्री रेणुका शुगर के अंदर। वही हम इसके चार्ट पे आएंगे तो आप देखोगे जो जैसे ही यहाँ से उठा, अब सीधा जो उसका रेजिस्टेंस है, हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जो उसका रेजिस्टेंस है वो 57 रुपये पर है। अब देख रहे हो 3 ग्रीन कैंडल बनी है और वहीं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे अब रेड कैंडल बननी चालू हो गई है। रेड कैंडल बननी चालू किस लिए हुई, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अभी से ही स्टार्ट कर दी है। अगर आप देखोगे 1,98,199 क्वांटिटी सेलिंग में, मैं डाटा रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे कितनी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है। वहीं अगर हम BSE का डाटा देखें, BSE इंडिया की वेबसाइट पर जाके, तो इस यहाँ भी देखोगे आप 13,91,953 क्वांटिटी लगी हुई है सेलिंग के लिए। वहीं बाय क्वांटिटी है 5,65,152। एकदम से लोगों ने जैसे ही यहाँ पर 8% प्रॉफिट देखा है तुरंत उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी है। वहीं हम बात करें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 22% का रिटर्न हमें रेणुका शुगर दे चुका है। वहीं पिछले एक साल का देखें तो एक साल में तकरीबन 19% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 5% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 दिनों में देखें तो तकरीबन 14% का रिटर्न दिया है। अब आप देखोगे हैवी सेलिंग की वजह से 51.95 रुपये से 51.10 रुपये पर श्री रेणुका शुगर आ गया है और कहीं ना कहीं लोगों ने इसके रेजिस्टेंस के पास पहुंचने का इंतजार नहीं किया, पहले ही जो हैवी सेलिंग स्टार्ट कर दिया, यानी अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आप देखोगे रेड कैंडल बन रही है। अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो एकदम से बूम हुआ था। अब जैसे हैवी सेलिंग की वजह से 52.28 रुपये के प्राइस से सीधा अभी ये 51.32 रुपये पर जो शेयर का प्राइस है वो आ गया है। भाई हम श्री रेणुका शुगर के फंडामेंटल्स देखें, उसके बाद देखेंगे कितनी बाय क्वांटिटी। पहले एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटली कितनी मजबूत है श्री रेणुका शुगर। मार्केट कैप 11,043 करोड़ का है, करंट प्राइस जिस पर ट्रेड कर रहा है 51.90 रुपये। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 36.60 रुपये लो है, 52 वीक हाई है 57.20 रुपये। बुक वैल्यू माइनस में है, ROCE कम है, सेल्स ग्रोथ 20% के हिसाब से, मतलब कि कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है पिछले 5 साल कंपेयर करें और पिछले 3 साल देखें तो 26% के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रो हुई हैं। EPS माइनस में है, कंपनी पर डेप्ट है 5,794 करोड़ का, इंडस्ट्री पी है 15.70 रुपये, स्टॉक पी देनी रहा का प्रमोटर्स के पास 62.5% की होल्डिंग है। ध्यान रखना जब भी आप किसी कंपनी का डेप्ट देखते हो तो आपको क्या करना है, कंपनी के अंदर कंपनी के रिजर्व्स भी जरूर देखो, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं। आप देखोगे कंपनी के पास रिजर्व्स माइनस में है, इसका मतलब है कि इस कंपनी पर डेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी में एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने से बचूंगा। पर हम देखें अब डाटा NSE का एक बार और, तो 1,05,56,381 क्वांटिटी सेलिंग की 12:06, देख रहे हो कितनी हैवी क्वांटिटी में इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और 7,07,00,000 वॉल्यूम ट्रेड हो गए हैं अभी तक 12:06 तक। वहीं हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 45 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 51 रुपये पे, वो रेजिस्टेंस टूट गया है क्योंकि जो सेलिंग है अभी स्टार्ट हुई है। कम से कम 30 मिनट पहले लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग, जैसे ही 8% लोगों ने प्रॉफिट देखा आज का, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। बहुत जल्दी आपको भी 45 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिलेगी। वहीं हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक है। अगर हम
एक दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस देख, एक रेजिस्टेंस 52.74 रुपये पे भी है, यानी हम देख सकते हैं कि अगर एक दिन के रेजिस्टेंस के हिसाब से ये यहाँ से कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतनी हैवी मात्रा में जो स्टॉक है लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप देखोगे 1,07,17,468 क्वांटिटी लगी हुई है सेलिंग के लिए, और जो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अब इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत जो शेयर का प्राइस है डाउन जाता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आप देख भी रहे हो। अगर हम एक बार रिफ्रेश करें, 51.10 से 51.17 रुपये पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। देखोगे आप 8% से 7% पर आ गई है, मतलब कि बड़ा है आज, और लगातार जो शेयर है अब गिरना चालू हो गया, क्योंकि जो सेलिंग है बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में हो रही है। अगर हम एक वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक वीक के टाइम फ्रेम पे क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, तो एक वीक के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो जो रेजिस्टेंस है इसमें 57.35 रुपये का है, अगर हम एक वीक के हिसाब से जाएँ तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कंपनी कितनी मजबूत है या कितनी मजबूत नहीं है। एक बार कंपनी के क्वार्टर और देख लेते हैं, जो कंपनी के इस बार के क्वार्टर रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। आप मार्च 2023 का क्वार्टर और मार्च 2024 का क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 2,328 करोड़ की सेल थी, जो इस बार बढ़ के 3,466 करोड़ की हो गई हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार भी माइनस में है, यानी कंपनी लगातार लॉस कर रही है। वहीं कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार घट रहे हैं, कंपनी के रिजर्व्स माइनस में हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की 62% होल्डिंग है। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है 3.36% FIIs के पास स्टेक है। DIIs की बात करें तो DIIs का जो स्टेक है 10% के करीब है। वहीं पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी अब देखोगे नंबर ऑफ सेल होल्डर, कोई बड़ा इन्वेस्टर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बार और NSE का डाटा देखते हैं। एक बार हम आए देखो 1,09,54,000, इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस वजह से जहाँ एक बार 8.5% दिखाई दे रहा था, वहाँ ये 7% से नीचे आज का प्रॉफिट आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।